भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। 5000 वर्ष पहले जब कई संस्कृतियां वनों में रहती थी, तब सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में अपनी उन्नति की चरम सीमा पर थी। इंडिया नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। सिंधु नदी को ही विदेशी लोग इंडस रिवर कहने लगे और तब इंडस से भारत का नाम इंडिया पड़ गया। पर्शियन आक्रमणकारियों ने हिंदू नाम ढूंढा था। हिंदू का मतलब भी यही था कि वे लोग जो सिंधु नदी के किनारे रहते हैं। सिंधु और हिंदू दोनों शब्दों को मिलाकर उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा। हिंदुस्तान का मतलब था हिंदुओं की भूमि। भारत में कुछ किलोमीटर चलने पर ही भाषा, वेशभूषा और भोजन बदल जाते हैं, किंतु लोगों के मनों में प्रेम, सौहार्द, बड़ों के प्रति सम्मान, अतिथि का मान वही बरकरार रहता है। भारतवासी बहुत हंसी मजाक प्रिय, उत्सव प्रिय और खाने के शौकीन होते हैं। भारत के लोगों को तेज मसालेदार भोजन पसंद है। सामूहिक रूप से स्नान और भोजन यहाँ की परंपरा है। कुंभ सामूहिक स्नान का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त खुशी हो या गमी हो, मतलब बच्चे के जन्म पर, शादी ब्याह के मौकों पर और घर में अथवा समाज में किसी की मौत पर भी यहाँ के लोगों में इकट्ठे होकर भोजन करने का रिवाज है। अनेक धर्म के लोग यहाँ सद्भाव से रहते हैं। इसी कारण यहाँ साल के 365 दिन कोई न कोई उत्सव चलता ही रहता है। ऐसा संसार के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलता। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, गणित का जन्म भारत में हुआ। सारे विश्व को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 11वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य जी की देन है। जिस काल में ग्रीक और रोमन लोगों को मात्र 106 तक की गिनती आती थी, किंतु उस समय हम भारतवासी 10^53 तक की गणना का प्रयोग कर लेते थे। आज भी 10^12 तक की प्रचलन में है, किंतु बहुत प्राचीन भारत में 10^53 प्रचलन में थी। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा और टेरा आज की आधुनिक संख्या की उच्चतम गिनती टेरा है, जो कि 10^12 होती है। डेसिमल सिस्टम और वस्तुओं के मूल्य प्रणाली ईसा से 100 वर्ष पूर्व भारत में ही आरंभ हुई थी। विश्व का पहला ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजोर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का शिखर 10 टन वजन के सिंगल पीस ग्रेनाइट पत्थर से बना है। इस मंदिर का निर्माण कार्य राजा चोल के शासन काल में सन 1004 से 1009 में मात्र 5 वर्षों में ही पूरा हो गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है तथा क्षेत्रफल के आधार पर भारत पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है। सांप सीढ़ी के खेल का आविष्कार संत ज्ञान देव ने 13वीं शताब्दी में किया था। सांप सीढ़ी के खेल को आरंभ में मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां सत कर्मों को और सांप दुष्कर्मों को दिखाते हैं। इस खेल को पासों से खेला जाता था। समय के साथ साथ इस खेल में अनेक परिवर्तन किए गए, किंतु इसके पीछे की शिक्षा आज भी वही है कि सत्कर्म आपको मोक्ष देते हैं और दुष्कर्म भव बंधन में डालते हैं। चैल क्रिकेट ग्राउंड विश्व की सबसे ऊंची क्रिकेट ग्राउंड है। चैल क्रिकेट ग्राउंड को 1893 में एक पहाड़ी को समतल करके बनाया गया था। यह क्रिकेट पिच सागर तल से 2444 मीटर ऊपर है। भारत में पूरे विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस हैं, जिनकी संख्या 1,55,000 से भी ज्यादा है। एक पोस्ट ऑफिस करीब 7200 नागरिकों को सेवा देता है। श्रीनगर की डल झील में तैरने वाले पोस्ट ऑफिस का निर्माण 2011 में किया गया। भारत संसार की सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। पूरे विश्व में भारतीय रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है। भारतीय रेलवे में लगभग 10 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।
उच्च संस्कार होने के कारण भारत में तलाक की दर पूरे संसार में सबसे कम है। भारत में 100 शादियों में से मात्र एक शादी तलाक में बदलती है। अमेरिका के बाद भारत का सड़क नेटवर्क पूरे संसार में सबसे बड़ा है। पूरे संसार में सबसे ज्यादा न्यूज चैनल भारत में है। अमेरिका और जापान के बाद भारत ने ही सुपर कंप्यूटर स्वदेशी बनाया है। पूरे संसार का 11% सोना भारत की नारियों के पास है। पूरे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी का सोना इकट्ठा करो तो वो भी इसके बराबर नहीं है। विश्व की पहली यूनिवर्सिटी ईसा से 500 वर्ष पूर्व तक्षशिला में बनाई गई थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उस जमाने में विदेशों से करीब 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ने आते थे और भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या का भी कोई ओर छोर नहीं था। उस जमाने में यहाँ 60 से भी अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। इसी प्रकार चौथी शताब्दी में स्थापित हुई नालंदा यूनिवर्सिटी प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। मानव जाति के लिए आयुर्वेद सबसे पहली चिकित्सा पद्धति थी। चरक, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, उन्होंने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का गठन किया था। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। सुश्रुत ने अपने शिष्यों के साथ कैटरेक्ट, आर्टिफिशियल लिम्स, सिजेरियन फ्रैक्चर्स, यूरिनरी स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी तथा न्यूरो सर्जरी जैसी उत्तम चिकित्सा आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व कर ली थी। एनेस्थीसिया का प्रयोग प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में बहुत ही लोकप्रिय था। इसके अतिरिक्त हमारे प्राचीन ग्रंथों में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, इम्यूनिटी इत्यादि विषयों का भरपूर विस्तृत वर्णन मिलता है। भारत पर अंग्रेजों के शासन काल से पहले हमारा भारतवर्ष विश्व के सबसे धनी देशों में से एक था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की रईसी से प्रभावित होकर समुद्र के रास्ते से भारत को ढूंढने निकले थे, किंतु उन्होंने गलती से अमेरिका को खोज लिया। 6000 वर्षों से भी पहले आर्ट ऑफ नेविगेशन की शुरुआत सिंधु नदी से हुई थी। इंग्लिश में नेवी वर्ड संस्कृत के नो शब्द से आया है। महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने हजारों वर्ष पहले सही गणना करके बता दिया था कि पृथ्वी को सूर्य के गिर्द एक चक्कर को पूरा करने में 365.258 दिन का समय लगता है। पाई की वैल्यू को सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ बुद्धयान ने कैलकुलेट करके बताया था। बुद्धयान ने ही मैथ का एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे आज हम सब पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से जानते हैं। 1896 तक पूरे विश्व में केवल भारत में ही हीरे पाए जाते थे। बेली ब्रिज पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। यह बेली ब्रिज लद्दाख की घाटी में द्रास और सुरु नदियों के बीच में है। बेली ब्रिज भारतीय सेना के द्वारा अगस्त 1982 में बनाया गया था। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी भारत के मेघालय प्रांत में है। भारत 90 देशों को अपने सॉफ्टवेयर निर्यात करता है। कुंभ मेला में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग भाग लेते हैं। 2011 के कुंभ मेले में लगभग 7,50,00,000 लोग आए थे। इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सका था। भारत में जन्मे हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग संसार की कुल जनसंख्या का 25% है। जैन और बुद्ध धर्म की जन्मभूमि 2500 वर्ष पहले भारत ही रहा है। इस्लाम भारत और विश्व का दूसरा बड़ा धर्म है। पूरे संसार में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही हैं, जिनमें इबादत होती है। भारत में 3,00,000 से भी ज्यादा एक्टिव मस्जिदें हैं। भारत में सबसे प्राचीन चर्च कोचीन में है। इस चर्च को 1503 में बनवाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल अंगकोर वट एक हिंदू मंदिर है। अंगकोर वट कंबोडिया में है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 10वीं शताब्दी में बने विष्णु भगवान के तिरुपति बालाजी मंदिर में
विश्व में किसी भी मंदिर की तुलना में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। तिरुपति बालाजी में रोम और मक्का से भी ज्यादा करीब 50,000 से 1,00,000 डिवोटीज हर रोज जाते हैं और यहाँ रोजाना औसत $60,00,000 दान राशि मंदिर की दान पेटियों में भक्त देते हैं। सिख धर्म की जन्मभूमि अमृतसर भारत में है। अमृतसर में विश्व विख्यात स्वर्ण मंदिर 1577 में बनवाया गया था। विश्व का सबसे प्राचीन नगर बनारस भारत में है। यह आदिकाल से लेकर अब तक नागरिकों और धन धान्य से खूब भरा पूरा है। बांद्रा वर्ली सी लिंक में पृथ्वी की सरकमफेरेंस के बराबर स्टील के तार हैं। इसे पूरा करने में 2,57,00,000 घंटे का टाइम लगा था। बांद्रा वर्ली सी लिंक का वजन 50,000 अफ्रीकी हाथियों जितना है। भारत ने लंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लगभग 3,00,000 शरणार्थियों को शरण दे रखी है। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धर्म गुरु दलाई लामा जी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से अपनी सरकार को चलाते हैं। मार्शल आर्ट की शुरुआत बौद्ध मठों के द्वारा भारत में की गई थी और इन बौद्ध मठों ने ही मार्शल आर्ट का पूरे एशिया में प्रचार किया। योग का अस्तित्व भारत में ही है। इसके जनक पतंजलि ऋषि थे। पतंजलि ऋषि ने योग भारत में 5,000 वर्ष पहले आरंभ किया था। चांद पर पानी की खोज इसरो के चंद्रयान 1 ने 2009 में की थी। फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम और भारत रत्न भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 26 मई 2006 में स्विट्जरलैंड गए थे। उनकी इस यात्रा का स्विट्जरलैंड सरकार ने इतना सम्मान किया कि 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे के नाम से घोषणा कर दी गई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने वेतन में से आधा वेतन ही लेते थे, ये कहकर कि मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे तब राष्ट्रपति पद का वेतन 10,000 रूपए प्रति माह होता था। जब उनके कार्यकाल का अंतिम वर्ष था उस साल उन्होंने मात्र 1/4 वेतन प्रति माह लिया। भारत में शाकाहारी लोगों की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। भारत की 20-40% जनसंख्या शुद्ध शाकाहारी है। भारत पूरे विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे पहले गन्ने में से चीनी बनाने की कला खोजी गई। भारत में दूर दूर के विदेशी यहाँ आकर भारतवासियों से चीनी बनाना सीखने लगे। मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी भारत की बेटी थी, उन्हें मेंटल कैलकुलेटर भी कहते हैं। भारत की इस महान बेटी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1982 में अंकित किया गया था। शकुंतला देवी 13 अंकों की दो बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से भी कम समय में निकाल दिया करती थी। भारत में महाराष्ट्र के एक गांव शनि शिंगणापुर में लोग घरों पर दरवाजा नहीं लगवाते। शनि शिंगणापुर के लोग ताले दरवाजे का प्रयोग नहीं करते। इस गांव के लोग भगवान पर भरोसा रखकर चैन की नींद सोते हैं कि भगवान के रहते उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। भारत में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के माधवपट्टी गांव को विलेज ऑफ ऑफिसर्स कहा जाता है। इस गांव ने भारत को सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स दिए हैं। इस गांव में मात्र 75 घर हैं, जिन्होंने 47 IAS ऑफिसर्स देश को दिए हैं। यही नहीं, इस गांव के लोग इसरो, थावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और वर्ल्ड बैंक जैसी ऊंची जगहों पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा पर्वत जिसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को हरा दिया हो वो भारत में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपनी कार को फ्री गियर में छोड़ दिया हो तब भी वह गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पहाड़ पर ऊपर चढ़ना शुरू कर दे? जी हाँ, भारत में गुजरात के अमरेली जिले के तुलसी श्याम इलाके के नजदीक एक सड़क पर ऐसा ही होता है।
माता पिता के रिटायर होने के बाद संतान के द्वारा उनकी उपेक्षा करना भारत में गैर कानूनी है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक संपूर्ण महासागर है, अर्थात हिंद महासागर। भारत की लगभग 2.5 करोड़ आबादी प्रतिदिन ट्रेन में सफर करती है। 2.5 करोड़ आबादी मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितनी जनता। अमेरिका की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा भारतीय लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं।